विश्व युद्ध का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे जुड़े हुए इस वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे। Why Indian soldiers took part in World War First? भारत ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया प्रथम विश्व युद्ध में, वो कारण हमने दे दिया। लेकिन जो 13 लाख से अधिक सिपाही भारत के सैनिक इस युद्ध में रिक्रूट किए गए थे, कुछ ऑलरेडी रिक्रूटेड थे, तो उन्होंने क्यों अंग्रेजों की ओर से भारत के बाहर जाकर के लड़ना क्यों स्वीकार किया, उसके पीछे के कारण देखते हैं। पहला कारण यह है, भारतीयों में एक सेंस ऑफ ड्यूटी जबरदस्त रहती है, यानी जिसका नमक खाओ उसके प्रति नमक हलाली करो, ठीक है, नमक हरामी कभी मत करो, ये बात उनके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी। तो भारतीय सैनिकों में भी यही सेंस ऑफ ड्यूटी थी कि जिसके भी अंडर में वो सैनिक का कार्य करते थे उसके लिए वो अपना जान भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। तो एक कारण तो था कि कर्तव्य का बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य यह है कि हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके लिए काम करना, चाहे वो हमें इंडिया में काम ले हमें या इंडिया से बाहर ले, ठीक है। अननोन फ्रॉम नेशनलिज्म, इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि इनको राष्ट्रवाद क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, इस राष्ट्रवाद का उनको ज्ञान नहीं था कि अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाकर के शासन कर रहे हैं, हमारा देश है, ये हमारे रिसोर्सेस का उपयोग कर रहे हैं, ये देश हमारा है, हम इस पर शासन करेंगे, हमारे हिसाब से यहां पर व्यवस्था होगी, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं था, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से एक गुलामी की व्यवस्था में ये रहते आए थे, ठीक है। थॉट टू गेन पोस्ट वार, यानी इनको भी एक ये फीलिंग थी कि भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत खराब थी अंग्रेजों के अंडर में, तो इनको एक ऐसा लगा कि शायद अगर हम इतनी बड़ी दुख में, इतनी बड़ी विपदा में हम अंग्रेजों का साथ देंगे, प्रथम विश्व युद्ध में हम उनकी ओर से लड़ेंगे, देश से बाहर जाकर के लड़ेंगे, तो शायद हमें अपनी वीरता, अपना गौरव, अपना बलिदान दिखाने का अवसर मिलेगा, और इस चीज को देख करके अंग्रेजों का दिल पसीजेगा और वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अंग्रेज सैनिकों के साथ व्यवहार करते हैं, हमें भी अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा रहने का, अच्छा खाने का, अच्छा सभी प्रकार की सुविधाएं, और सबसे बड़ी चीज हमें अंग्रेज सैनिकों की तरह सम्मान और अवसर अपनी वीरता वैभव दिखाने का मिलेगा। ये तमाम बातें सोच करके उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने की बात सोची। चौथी बात, ब्रिंग ऑनर टू देयर क्लेन और कास्ट बाय फाइटिंग ब्रावली इन द बैटलफील्ड, उन्हें एक अवसर ये भी दिखा कि हमारी जाति का, हमारे वंश का जो गौरव है, ज्यादातर भारत में जो लोग सैनिक बने थे, यादव, राजपूत, गुरखा, पंजाबी, बंगालीज, ठीक है, इस टाइप के लोग थे जो सदियों से सैनिक का कार्य करते आए थे, किसी न किसी राजवंश के अधीन वो सैनिक का कार्य करते ही थे, तो जब हमारे राजा वगैरह इत्यादि होते थे तो वो उनको उस हिसाब से महत्व भी देते थे कि आप राजपूत वंश के हो तो उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था क्योंकि उनमें वीरता और बलिदान की भावना ज्यादा होती थी, लेकिन अंग्रेजों के अधीन ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको एक ये भी अवसर मिला कि अगर हम अंग्रेजों की ओर से लड़े तो हमें अपनी वीरता, वैभव, अपना सैक्रिफाइस को दिखाने का अवसर हमें मिलेगा, और इसके माध्यम से हमारी जो जाति और हमारा वंश का जो गौरव है वो एक बार फिर से वापस लौट करके आएगा। पांचवी बात, एडिशनल सैलरी, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अनेक भारतीयों को, जिनमें ज्यादातर किसान मजदूर वगैरह होते थे, सेना में भर्ती किया और उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी देने का प्रॉमिस किया। तो जनरली पैदल सेना, इन्फेंट्री को, के एक सैनिक को 11 रुपए वेतन मिलता था, ठीक है, लेकिन युद्ध के समय उसको 2 रुपए बढ़ाकर के 13 रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा बाहर जाने, देश से बाहर जाने का कुछ भत्ता वगैरह भी देना था, तो इस कारण से भी, बढ़ी हुई सैलरी के कारण भी ज्यादा से ज्यादा सैनिक रिक्रूट हुए और उन्होंने अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, ठीक है। ये अलग बात है कि ये सारी सैलरी वो भारत के लोगों पर टैक्स लगाकर के वसूल रहे थे या दूसरे देशों से कर्ज ले रहे थे और बाद में फिर भारतीय लोगों पर कर लगा करके और जो है उस लोन को रीपे कर रहे थे, तो कुल मिला के हमारा पैसा हम ही को वापस कर रहे थे, पर यही सेंस हमें नहीं था, इसी को कहते नेशनलिज्म हमें नहीं था, ठीक है। अंडर कॉलोनियल मास्टर,
नो फ्री विल। यानी एक बात ये भी थी कि अल्टीमेटली पूरा भारत देश लगभग गुलाम था, जिसमें किसी की फ्री इच्छा तो चलती नहीं थी। जो आदेश अंग्रेज दे देता था वही आदेश हमें मानना पड़ता था, क्योंकि वो हमारा स्वामी था, हम उसके गुलाम थे। तो यह है कि वो हमारा मास्टर था और हमारे पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। हम कितना भी बचते किसी युद्ध में भाग न ले, हमें लेना ही पड़ता। ठीक है, साथ ही बात पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया वांटेड देयर रोल। भारत में जो कांग्रेस है, मॉडरेट्स है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट है, मुस्लिम्स है, तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे, जब वो खुद दिल खोल के बोल रहे थे कि हम प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का, और गांधी जी जैसे लीडर, लोकमान्य तिलक, इन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि आप आइए सेना में भर्ती होइए, ठीक है, तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया कि नहीं, जो हमारे यहाँ के युवा है, हमारे यहाँ के लोग, उनका कर्तव्य है कि अंग्रेजों की मदद करें। तो इस कारण से भी सैनिक मना नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के जो उस समय के जो जाने माने लोग थे, वो ही अपने लोगों से कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों की मदद करनी है। आठवां, नॉट वॉन्टेड टू बी अपॉर्चुनिस्टिक। इसके अलावा अगर हमारे सैनिक किसी प्रकार का विद्रोह कर देते, मना करते, तो एक प्रकार से उनके ऊपर अवसरवादी होने का लांछन लगता कि जब दुख आया अंग्रेजों पर, नॉर्मली ये हमसे सैलरी लेके अपना काम चलाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत है इनकी तो ये विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक बन रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार का लांछन भारतीय सैनिकों पर लगना ये ठीक नहीं था, क्योंकि ये चरित्र ना भारतीयों का है ना भारतीय सैनिकों का है। तो अपॉर्चुनिस्टिक होने से बचने के लिए भी ये जरूरी था कि ठीक है, अंग्रेजों के साथ हमारे जो भी मुद्दे हैं हम उसको बाद में सुलझा लेंगे, अभी तो चलो हम इनकी मदद करते हैं। ठीक है, रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग। एक संभावना यह भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध है और भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर किसी भारतीय सेना की टुकड़ी जो है बेल्जियम में ले जाकर के छोड़ दिया गया, कुछ टुकड़ियां फ्रांस में छोड़ दी गई, कुछ ऑस्ट्रिया में छोड़ दी गई, कुछ अफ्रीका के देशों में छोड़ दिया गया, कुछ टर्की के आसपास के इलाकों में, तो भारत के बाहर यूरोप के कई इलाकों में भारतीय सैनिकों को ले जाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध था, ये बहुत बड़े लेवल का युद्ध था, तो इसमें एक संभावना ये भी थी कि इस विश्व युद्ध में हम नई तकनीकों को, नए टाइप से युद्ध लड़ने के तरीके, अभी हम ज्यादा से ज्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर जानते हैं, तलवार से लड़ना जानते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं, ठीक है, लेकिन युद्ध की और भी नई शैलियां होती है, नए तौर तरीके होते हैं, नए हथियार होते हैं, नए दाव पेंच होते हैं, नए भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो ये तमाम चीजें भी सीखने का एक अवसर उनके पास था, इसलिए भी एक मनोबल उनका मिला। ठीक है, दसवीं बात, मैस्कुलाइन नेशनलिज्म। मैस्कुलाइन नेशनलिज्म का मतलब होता है कोई मर्दों वाली बात, कि ये एक मर्दों की वीरता और बहादुरी दिखाने का भी एक समय था, कि भारत के जो युवा है, ठीक है, उनके अंदर भी युद्ध में भाग लेकर के और लड़ने का मादा है। तो ये 10 कारण थे जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो युद्ध में भाग लिया जाता है। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना जब मैं कहता हूं तो ब्रिटेन की जो भारतीय सेना, जिसमें भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। पहला, राष्ट्रवाद। कैसे, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब ये भारत के बाहर यूरोप के कई देशों में गए और वहां उन्होंने नए प्रकार के लोग, नए प्रकार के सैनिक से मिला, उनसे बातचीत की, वहां की आबो हवा, वहां की परिस्थिति को देखा, ठीक है, और ये भी समझा कि ये प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देश, वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध का असली कारण ये था कि सब अपना अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, इंपेरियलिस्टिक कारणों से युद्ध हुआ, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए ये कहा गया था कि ये युद्ध लोकतंत्र की स्थापना के लिए हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए हो रहा है, ठीक है, भाईचारा बढ़ाने के लिए, लिबर्टी इक्वालिटी, ऐसे सिद्धांतों के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सैनिकों को भी इन नए सिद्धांतों का पता चला कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है और ये युद्ध राष्ट्रवाद के लिए लड़ा जा रहा है, स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, ये तमाम बातें जब पता चली तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की और एक स्वतंत्रता की भावना उनके अंदर आई। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्होंने, भारतीय सैनिक जब यूरोप में जाकर के उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, 11 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला, दुर्गम परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनके अंदर खुद में भी आत्मविश्वास की वृद्धि हुई, ठीक है। तीसरी बात, राइटिंग होम नॉट टू ज्वाइन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहां से बैठ करके जब उनको टाइम मिलता था रात रात में चिट्ठी लिखते थे और उसको बाहर भारत अपना पोस्ट करते थे और ये कहते थे कि अब इस युद्ध में
क्योंकि भारतीय सैनिक मारे भी काफी ज्यादा संख्या में गए थे और धीरे धीरे उनको यह पता चलने लगा कि युद्ध तो ब्रिटेन लड़ रहा है, मर हम रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का असली हकीकत भी धीरे धीरे जब सामने आने लगा तो इन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया लोगों से कि अब भारतीय लोग इसमें सेना है उसको ज्वाइन न करें। ठीक है, क्योंकि वो हमारी कीमत पर ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है। पोस्ट वार रिफॉर्म्स, हालांकि जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय सेना में कुछ सुधार किए गए और भारतीय सैनिकों को अब पहले की तुलना में कुछ सैलरी वगैरह भी बढ़ी, उनको कुछ मान सम्मान के लायक भी समझा गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही विक्टोरिया क्रॉस वगैरह दिए गए हमारे यहाँ के सैनिकों को। ठीक है, तो थोड़ी सी इज्जत जो है भारतीय सैनिकों की इस युद्ध के बाद बढ़ी और अंग्रेजों ने भारतीय सेना में कुछ ऐसे सुधार किए जिससे थोड़े से लाभ हमारे भारतीय सैनिकों को, लाभ और सम्मान दोनों की प्राप्ति हुई। विक्टोरियन क्रॉस मिला हमारे यहाँ के सैनिकों को। ठीक है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, जब हमारे सैनिक यहां से यूरोप गए और वहां फ्रांस के सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ते थे, ऑस्ट्रिया के बेल्जियम के सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ते थे, रूस के सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ते थे, तो उनके साथ जब मिलकर के लड़ते थे तो कभी भी फ्रांस और बेल्जियम के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से को अपने से इंफीरियर नहीं समझा, अपने से अपने बराबर और अपने से कई बार सुपीरियर भी समझा। तो फ्रांस और बेल्जियम ने भारतीय सेना का स्वागत किया, उनको अपने बराबर का दर्जा दिया। इससे उनको अंग्रेजों का दोगलेपन की नीति समझ में आई कि जब हम अंग्रेजों के साथ मिलकर के युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज सैनिकों के साथ, तो अंग्रेज सैनिक हमेशा एक व्हाइट रेसिज्म और व्हाइट सुपीरियरिटी हमारे ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। तो उनको एक सेंस ऑफ इक्वालिटी का बोध हुआ। ठीक है, और वहीं से जब वो लौट के आए तो उनको समझ में आया भाई गोरे तो फ्रांस के भी हैं, गोरे तो बेल्जियम के भी हैं, गोरे ब्रिटेन के भी हैं, लेकिन ब्रिटेन वाले गोरे हमारे साथ नस्लीय भेदभाव करते हैं लेकिन ये लोग नहीं करते। तो ये बात क्यों है, ये सोचने पर उनको मजबूर किया और उनके अंदर भी ये भावना आई कि हम भी उसी लेवल पर जब लड़ाई करते हैं, हम भी उसी लेवल का सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमें उसी लेवल का मान सम्मान मिलना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब यह है कि अब भारतीय सेना जो युद्ध लड़ने के पहले थी और जब युद्ध लड़के वापस आई, उन दोनों में काफी अंतर आ चुका था, क्योंकि जो युद्ध लड़के आई हुई सेना थी वो यूरोप की आबो हवा देख चुकी थी, वहां पर राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता ऐसे कुछ सिद्धांतों को जान चुकी थी, समझ चुकी थी। इसलिए अब सेना के भीतर भी राजनीतिक चर्चाएं होनी शुरू हुई और सेना के भीतर से आवाज आई कि अब भारत को आजादी चाहिए, भारत की सेना भी अब आजादी में अपना रोल प्ले करेगी। तो एक प्रकार से राजनीतिक विषयों पर सेना के अंदर अब वाद विवाद होने शुरू हो गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय सेना पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद पड़ा था। ठीक है, एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने जो 4.5 साल ये युद्ध चला जिसमें यूरोप के कई देशों में जाकर के भारतीय सैनिक लड़े, उनसे क्या उनको अनुभव हुआ। पहली बात, पार्टिसिपेटेड इन वेरियस डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइक एक्सट्रीम विंटर ऑफ यूरोप, ट्रेंच वॉर एटसेट्रा। भारतीय सैनिक जब जब भारत में रहते थे तो भारत की आबो हवा, भारत की परिस्थिति से वो परिचित थे, लेकिन जब वो यूरोप गए तो पहली बार यूरोप के में नए टाइप के क्लाइमेट, और यूरोप में ऑलरेडी भारत से बहुत ज्यादा गर्मी, विंटर बहुत ज्यादा वहां पर पड़ती है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में नए नए तरीकों के युद्ध किए जा रहे थे। एक होता था ट्रेंच वॉर, माने जमीन समतल दिखती थी लेकिन वास्तव में वहां पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते थे और उनको पत्तों इत्यादि से ऐसे ढक दिया जाता था, पता नहीं चलता था कहां पर ट्रेंच बने, गड्ढा कहां पर है। ठीक है, सैनिक तोड़ते आते थे गड्ढे में गिर जाते। तो इन नए प्रकार के माहौल में, नए प्रकार की जलवायु में, नए प्रकार की विकट परिस्थितियों में युद्ध लड़ने का अनुभव जो है भारतीय सेना के जवानों को इसके दौरान प्राप्त हुआ। दूसरा, फॉट विद सोल्जर्स ऑफ फ्रांस एंड बेल्जियम एंड रिसीव्ड गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम देम। फ्रांस और बेल्जियम के सैनिकों के साथ मिलकर के लड़े और फ्रांस और बेल्जियम के जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब कभी भारतीय सैनिक जख्मी वगैरह हो जाते थे उनका बढ़िया ट्रीटमेंट किया जाता था, कोई भी ऐसा दुराभाव उनके मन में नहीं था कि हम गोरे सैनिक हैं ये काले सैनिक हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरी बात, परफॉर्मेंस वाज एप्रिसिएटेड। जो भी अगर भारतीय सैनिक अच्छा काम करती है तो उसको एप्रिसिएट किया जाता था। ठीक है, उनकी सराहना की जाती थी। 1918 में अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, द वर्ल्ड मस्ट पे इंडिया इन व्हाट एवर इंडिया वॉन्ट्स, फॉर विदाउट इंडियन प्रोडक्ट देयर वुड बी
greater difficulty in winning the war. न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि दुनिया को वो देना चाहिए भारत को जो भारत चाहता है, क्योंकि भारत के बिना सहयोग भारत ने कई प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन वाले पक्ष का साथ दिया। खाली 12 लाख खच्चर भारत से ले गए थे, म्यूल्स, ठीक है। तो भारत ने जानवर, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सैनिक, पैसा, रुपया, सब कुछ देकर के ब्रिटेन को बहुत ज्यादा मदद किया। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन वाले पक्ष की जीत हुई है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है और दुनिया हमेशा भारत को इसके लिए श्रद्धा की नजर से देखे, सम्मान की नजर से देखे और दुनिया भारत को जो चाहिए वो दे देना चाहिए, माने आजादी दे देनी चाहिए। इस प्रकार की बात 1918 में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख दी गई थी। ये कुल मिलाकर के भारतीय सैनिकों के वीरता, बहादुरी और उनके त्याग के कारण ही संभव था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब एक नोट आपको याद रखना है, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए 11 नवंबर 2018 को उसका 100 साल पूरा हो गया प्रथम विश्व युद्ध का, और उसमें जिसको आर्मिस्टाइस डे, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आर्मिस्टाइस डे, ठीक है। ये ब्रिटेन वाले पक्ष मनाते हैं इसको जो जीते थे, आर्मिस्टाइस डे के रूप में 11 नवंबर 2018 को मनाया गया, ठीक है। और इसके लिए और ये पूरा कार्यक्रम ऑब्जर्व इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन माने वो सभी देश जो ब्रिटेन के गुलाम कभी रहे हुए थे उनका मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, और इसके बारे में होमवर्क मैं आपको पहले भी दिया था, ठीक है। तो उन सारे देशों में इसको मनाया जाता है, तो भारत में भी मनाया गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया बिल्ट वॉर मेमोरियल इन फ्रांस टू पे ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति फ्रांस में गए हुए थे ये 2018 में, और वहां पर क्योंकि फ्रांस भी ब्रिटेन के पक्ष में था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वे भारतीय सैनिक जो फ्रांस में फ्रांस के सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ रहे थे और उस समय वो बलिदान दिया उन्होंने अपना, तो उनकी याद में फ्रांस में एक मेमोरियल बनाया गया है, उसका उद्घाटन जो है वो हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति करके आए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए, तो ये भी एक एप्रिसिएशन है, ठीक है, आज फ्रांस और यूके सब जो है भारत के कंट्रीब्यूशन को सराह रहे हैं। लाहौर नोट है, ठीक है, नोट में दूसरी बात है, लाहौर एंड मेरठ वर द फर्स्ट कंटिंजेंट ऑफ इंडियन आर्मी टू रीच यूरोप, यूरोप पहुंचने वाली भारत की जो पहली सैन्य टुकड़ी थी और वो भी फ्रांस पहुंची, ठीक है, वो थी लाहौर की और मेरठ की टुकड़ी। कभी कभी मान लो किसी छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात है, स्लीफेन प्लान, ये जर्मनी ने ये प्लान 1905-6 में बनाया था। ये प्लान ये था कि जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, उसको चारों तरफ से घेर लेना और चारों तरफ से घेर करके उसको युद्ध में हरा देना, इस प्रकार की योजना थी। जर्मनी में वहां के एक फील्ड मार्शल थे, उनका नाम था स्लीफेन, उन्होंने ये योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना उस समय इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस योजना को इंप्लीमेंट करने की जर्मनी द्वारा कोशिश की गई, तो स्लीफेन प्लान जर्मनी द्वारा बनाया गया था, इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। ये कुछ बातें कभी आपको याद ध्यान रखना। व्हाट इंडिया गेंड फ्रॉम ब्रिटेन, भारत ने बहुत कुछ किया ब्रिटेन के लिए, सपोर्ट, मोरली सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, गुड्स और काइंड्स देकर के सपोर्ट किया, सभी प्रकार से मदद किया। अल्टीमेटली भारत को क्या मिला ब्रिटेन से युद्ध समाप्त जाने के बाद? नथिंग पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव्स, कुछ भी अच्छा नहीं मिला, जो कुछ भी मिला सब नेगेटिव मिला, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज लोग शुरू से हरामखोर थे, वो कभी किसी के प्रति थैंकफुल अपना शो करना नहीं जानते थे, मौका परस्त थे, ठीक है। तो भरमा करके हमसे मदद तो ले लिया, लेकिन उसके बाद हमको क्या मिला? हमको सब कुछ नेगेटिव चीजें मिली। क्या 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 नेगेटिव चीजें मिली? कोमागाटा मानू इंसिडेंट हुआ सितंबर 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध जुलाई में शुरू हो गया था, आपको याद रखना है। और कोमागाटा मानू में 22 भारतीय लोग मारे गए थे, कैनेडा से हमारे लोगों को लौटा दिया गया था, ये तमाम घटना, ठीक है। ये पुरस्कार मिलना हमको शुरू हो गया जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत ने साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ने क्या देना शुरू किया ये देखिए। फिर दूसरा आ गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसमें भारत के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोई भी राष्ट्रवादी घटना यदि भारत में की जाती थी तो उसको क्राइम घोषित कर दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। तीसरी बात हमको क्या मिला? इंडियन काउंसिल एक्ट
जिसको कहते हैं हम मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में ये कानून आया और इसमें ये कहा गया था कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में जो साथ दिया है ब्रिटेन का, उसके बदले ब्रिटेन भारत को कुछ देना चाहती है, लेकिन जब ये कानून आया तो उसमें हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हमको नहीं मिला। ठीक है, तो ये कानून क्या है हम उसमें डिटेल से देखेंगे, अभी केवल इतना समझ लेंगे कि इस कानून ने भी हमें वो कुछ नहीं दिया जिसकी हम इच्छा रख रहे थे। ये भी एक छल के रूप में कानून बनाया गया और थोड़ी बहुत लॉलीपॉप देकर के हमको ठंडा करने की कोशिश की गई। ठीक है, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, शॉर्ट में इसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट, 1919 में ये कानून आया जिसमें केवल अंग्रेजों को ये ताकत दे दी गई थी कि भारत किसी भी भारतीय पर शक होने के आधार पर उसको तुरंत ले जाकर के जेल में डाल दो, फिर उसकी ना कोई अपील है, ना दलील है, ना वकील है, ठीक है, फिर उसको सुन दे दो जेल में। तो ये बड़ा भयानक कानून था, केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, जलियांवाला बाग की घटना हुई जिसमें हजारों भारतीय लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। डी थ्रोनिंग ऑफ खलीफा, हमारे मुसलमान भाइयों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ यही दिया गया, तो भाई हमारे खलीफा को कुछ मत करना, लेकिन अल्टीमेटली जब युद्ध खत्म हुआ तो खलीफा का पद ही खत्म कर दिया गया, खलीफा को गद्दी से उतार दिया गया। ठीक है, तो ये मिला उनको। सेपरेशन ऑफ लीडर्स ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट, अब भारत में कुछ उग्रवादी गरम दल के नेता थे जो ये बात जानते थे कि अंग्रेज हरामखोर है और एक बार युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों से कुछ ले पाना मुश्किल है, इसलिए 1916 में ही भारत में होम रूल लीग मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि युद्ध खत्म होने से पहले युद्ध के समय में ही, क्योंकि भारत की जरूरत है ब्रिटेन, इसलिए अभी वो हमारी बात मानेगा, तो उससे जो कुछ ले सकते हो अभी ले लो, युद्ध खत्म होने के बाद कुछ नहीं मिलना। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर के होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल का मतलब होता है स्वयं का शासन, होम रूल लीग, तो स्वयं का शासन करने के लिए अंग्रेजों से अनेक प्रकार के संवैधानिक सुधार करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक, लेकिन अंग्रेजों को जब पता चला कि आंदोलन तेजी पकड़ रही है तो इनको भी दबाना, इनको भी कुचलना, इनके नेताओं को पकड़ के जेल में डालना, ये तमाम जो है गतिविधियां अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। तो एक ओर भारत दिल खोल करके अंग्रेजों की मदद कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरी ओर अंग्रेज दिल खोल के हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे लिए ऊटपटांग कानून ला रहे हैं, हमारी उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो ये है ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये समझना है। ठीक है, तो ये मिला भारत को। पोस्ट वॉर इंडियन रिस्पॉन्स, अब जब युद्ध खत्म हो गया तो हम लोग सब एकदम बबुला भगत बने बैठे हुए थे, युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेज एक जो है सेंटा बन के आएगा और अपने थैले से निकाल निकाल करके जिसको जो चाहिए वो दे देगा, ऐसी आशा हम लगाए बैठे थे। हमने इतना महान और इतना सुंदर छवि अंग्रेजों की बना रखी थी और पिछले 200 साल से लूट रहे थे, हम कुछ सीख नहीं पाए थे उनसे। ठीक है, तो यही आशा लगाए बैठे थे, लेकिन जब ये आशा पूरी नहीं हुई, हमको जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वैसे ही कोमा काटा मारो इंसिडेंट होने लगा, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा, फिर तरह तरह के भारतीयों पर टैक्स बढ़ाया जाने लगा, भारतीयों से बोले कि जानवर भी भेजो हमारे पास, पैसा भी भेजो हमारे पास, नर्स भी भेजो हमारे पास, ये तमाम चीजें होनी जो है वो शुरू हो गई और भारत को एक प्रकार से स्पंज का उपयोग किया। आगे मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा भी आपको कि अंग्रेजों में से एक अंग्रेज बड़ा ईमानदार था, उसने कम से कम स्वीकार तो किया, उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेज इस प्रकार से शासन करते हैं, उनकी नीति एक स्पंज के समान है जो भारत में जितनी अच्छी चीजें हैं उनको सोख लेती है और ब्रिटेन में लाकर उसको निचोड़ देती है। ठीक है, तो वो हमको एक दरिया, एक समंदर ऑफ रिसोर्सेस, समंदर ऑफ वेल्थ के रूप में हमको देखते थे और जब कभी भी जरूरत होती थी स्पंज लेके आते थे, भारत में उसको भरा उस स्पंज को और ले जाकर के लंदन में निचोड़ दिया। ठीक है, तो उन्हें हमारी संवेदनाओं से हमारे उससे कोई लेना देना नहीं था। तो जब युद्ध खत्म हुआ और हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला तो क्या रिस्पॉन्स मिला देखते हैं। मॉडरेट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था, लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। ठीक है, 1920 में वो भी उन्होंने इंतजार किया, युद्ध तो खत्म हो गया ना 11 नवंबर 1918, पर बोले चुप रहो भाई, अभी तो युद्ध खत्म हुआ है, दो चार दिन उनको आराम कर लेने दो,
फिर देंगे वो कुछ कुछ हमें, ठीक है। फिर अगस्त 1920 में जाकर के कानून आया जिसको बोलते हैं मोंटेग्यू जेंसफोर्ड रिफॉर्म। जब ये कानून आया तो इससे बड़ी आशा थी मॉडरेट्स को, लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं मिला तब जाके 1920 में इनकी आंखें खुली और इन्होंने तय किया कि अब हम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे और ये गांधीयन प्रिंसिपल पे होगा, अहिंसा के सिद्धांत पर होगा, सत्याग्रह के सिद्धांत पर होगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स की ये रणनीति थी 1920 में, अब हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कहना क्या था, एक्सट्रीमिस्ट ने इस शर्त पर सहयोग किया था अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में कि युद्ध खत्म होने के बाद हमको होम रूल का दर्जा मिलेगा। होम रूल का दर्जा माने हमारे लोगों के द्वारा ही हम शासन करेंगे, माने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सरकारी सेवा में, हर जगह भारतीयों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रखोगे, ठीक है। हमारा रिसोर्स है, हमारा देश है, तो हमारे द्वारा ही हम पर शासन किया जाना चाहिए, इस शर्त पर हम आपका साथ देंगे, ठीक। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की तरह थोड़े से प्रैक्टिकल थे, इनको यह मालूम था कि हम सदियों से देखते आए हैं कि अंग्रेज कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते, तो मौका यह है कि अभी युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों को भारत की जरूरत अभी है, युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या है, कोई जरूरत नहीं है, तो अभी से ही हम होम रूल लीग की मांग अंग्रेजों से करना शुरू करें, युद्ध के बाद नहीं। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ने 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट भारत में चलाया। रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारियों का क्या वो था, क्रांतिकारी घटनाएं, राइज इन देयर एक्शन इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत एवं भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां, सशस्त्र गतिविधियां, मिलिटेंट एक्टिविटीज में काफी संख्या में वृद्धि आई। अब भारत में तो उनको दबाने और कुचलने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बना दिया गया था, उसी प्रकार कनाडा, यूके, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, जहां कहीं भी भारतीय क्रांतिकारी अपना इस प्रकार के गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे वहां भी उनको दबाने और कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय टर्की और जर्मनी का हमारे भारतीय क्रांतिकारी समर्थन करते थे, तो जर्मनी और टर्की से इनको काफी मात्रा में पैसा, सहयोग और समर्थन इत्यादि मिला, तो भारत के बाहर खासकर के कनाडा, यूके और सिंगापुर में इन्होंने जर्मनी और टर्की का साथ देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कई एक गतिविधियों को अंजाम दिया, क्योंकि रिवोल्यूशनरी भी यही मानते थे कि जब जब ब्रिटेन मुसीबत में होगा तब तब भारत के लिए वो अवसर है, ठीक है, इस अवसर को हमें कैच करना चाहिए, ऐसा मानते थे। मुस्लिम भी चाहते थे कि युद्ध खत्म हो तो हमें कुछ अच्छा चीज मिले, हमारे खलीफा का मान सम्मान बढ़े, पर वैसा नहीं हुआ, तो उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत मूवमेंट का मतलब है अपने खलीफा के पद को रिस्टोर करना, ठीक है। सोसाइटी, समाज की तरफ से क्या चेंजेस आए, समाज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था, राइज ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म, भारतीय पूंजीवाद में वृद्धि हुई। कैसे भारतीय पूंजीवाद में वृद्धि हुई, भारतीय पूंजीवाद में वृद्धि का मतलब यह है कि अब भारत में अनेक प्रकार के नए उद्योग लगाने की जरूरत थी, ठीक है, तो भारत की पूंजीपतियों को यह अवसर दिखाई दिया कि नए उद्योग हम अपनी पूंजी से लगाएं, और उस समय टाटा, बिड़ला, ऐसे कई लोगों ने, ठीक है, कई प्रकार के उद्योग, स्टील इंडस्ट्री लगाई, कॉटन इंडस्ट्री लगाई, तो भारतीय पूंजीवाद का उदय हुआ। ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, 1917 में यूएसएसआर की स्थापना हो गई थी साम्यवाद के सिद्धांत पर, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और भारत में भी साम्यवाद या समाजवाद के सिद्धांतों का आगमन हुआ। एंटी इंपीरियलिस्टिक ड्राइव्स, युद्ध खत्म होते होते तक यह भी समझ में आ गया था हमें कि यह युद्ध किसी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के लिए नहीं लड़ी गई है, इस युद्ध के पीछे असल कारण अपना अपना साम्राज्य फैलाना था, अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना था। वास्तव में ये देश दुनिया का भला नहीं चाहते थे, अपना भला चाहते थे, अपना अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, ये बात समझ में आ गई। तो युद्ध के बाद सभी लोगों ने एक ही आवाज में साम्राज्यवाद का विरोध किया, ठीक है, केवल भारत में नहीं, दुनिया में जहां कहीं भी गुलाम बनाने की प्रथा चल रही थी, साम्राज्यवादी प्रथा चल रही थी, उसका विरोध किया गया। राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए भारत में, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब प्रथम विश्व युद्ध के
पहले मॉडरेट्स को यह भरोसा था कि अंग्रेज साक्षात देवता की अवतार है, न्याय की अवतार है, ये केवल हमारी संस्कृति को नहीं समझते, हम जब एक बार अपनी संस्कृति उनको समझा देंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मॉडर्न्स की आंखें भी खुली की खुली रह गई और उनको समझ में आया कि अंग्रेज हरामखोर है। और इसी बात पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का अलगाव हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि अंग्रेजों की वफादारी पर बहुत ज्यादा भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, साष्टांग दंडवत होकर के झुक करके हमेशा उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, हमें अपना आत्मसम्मान बचा करके काम करना चाहिए। और मॉडरेट्स इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। इसी बात को लेकर 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। लेकिन इस युद्ध के बाद मॉडरेट्स की भी आंखें खुल गई, एक्सट्रीमिस्ट की आंखें भी खुल गई और दोनों को लगा कि अलग अलग लड़ाई झगड़ा करके हम खुद अलग अलग हो जाएं और अंग्रेज उसका फायदा उठाएं, उससे बेहतर है अब हम मिलकर के लड़ें, तभी अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे। इसलिए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट माने नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया, रीयूनियन हो गया। इस युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम यह हुआ और 1916 में ही एक लखनऊ पैक्ट, 1916 में एक लखनऊ समझौता, कांग्रेस का 1916 का जो सत्र था वो लखनऊ में हुआ था और इसी समय मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आपस में मिल गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में परिवर्तन आया। उसी प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक दूसरे के एंटी थे, लेकिन इस युद्ध के बाद ना कांग्रेस को कुछ मिला ना मुस्लिम्स को कुछ मिला, तो दोनों ने सोचा कि अलग अलग लड़के लड़ने से अच्छा है हम मिलकर के लड़े। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 का, जिसमें दो विरोधी दल एक साथ मिल गए। वो दो विरोधी दल दो प्रकार के थे, नंबर वन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नंबर दो INC और मुस्लिम लीग। इन सब का आपस में मिलन हो गया और इन्होंने बोला कि भाई हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहां तक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सारी बातें हमारी कंप्लीट होती है। अगला हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है होम रूल लीग मूवमेंट। 1916 से 1918 तक ये आंदोलन चला भारत में, ये क्या था, ठीक है। तो ये होम रूल लीग मूवमेंट, अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करना जबरदस्ती होगा लेकिन हम कर लें, भारत स्वशासन लीग आंदोलन। कुल मिलाकर इस आंदोलन का पर्पस यही था कि भारत के लोगों को शासन का दायित्व दिया जाए, ठीक है, भारत के लोगों द्वारा भारत पर शासन का अधिकार अंग्रेजों द्वारा दिया जाए। आजादी नहीं मांग रहे थे, इनका कहना था हम रहेंगे अंग्रेजों के अंडर ही, लेकिन शासन प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को टेक पार्ट मिलना चाहिए, ये इनकी मांग थी। ये 1916 से 1918 तक चला और ये इस सिद्धांत पर शुरू किया गया था कि अंग्रेजों के ऊपर जब जब मुसीबत आएगी तब तब अंग्रेजों को भारत की जरूरत पड़ेगी, और जब जब अंग्रेजों को भारत की जरूरत पड़ेगी ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो खुल करके अंग्रेजों से बार्गेनिंग करे और पहले वो चीज ले ले जो उसको चाहिए, बाद में अपना सहयोग करे। यही अवसर है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की घोर जरूरत, अंग्रेजों को घोर जरूरत है भारत की, और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए युद्ध के चलते ही हमें जो कुछ मांगना है अंग्रेजों से मांग ले। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये खास करके भारत में एक जो उग्रवादी विचार रखते थे, मॉडरेट्स ने इनका सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने जो समर्थन दिया था उसके रिस्पॉन्स में, उसके अगेंस्ट में एक आंदोलन जो है वो लॉन्च किया गया था। एज दे सीन, क्योंकि इनका मानना था, जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था उनका मानना था, इंग्लैंड्स नीड इज इंडियास अपॉर्चुनिटी, इंग्लैंड की जरूरत ही भारत के लिए अवसर है। और ये स्टेटमेंट था जिसको दिया था एनी बेसेंट ने, जो होम रूल लीग मूवमेंट चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, ठीक। और वो ये चाहते थे कि भारत में भी होम रूल का अधिकार मिले ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट। आयरलैंड में भी इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के समय आयरलैंड ने भी अपने यहां होम रूल लीग मूवमेंट चलाया, उसी से प्रेरित होकर, क्योंकि आयरलैंड की थी एनिमेशन, तो वहीं से प्रेरित होकर के इन्होंने भी भारत में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और वो ये चाहती थी कि इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भारत को भी डोमिनियन स्टेटस ऑफ कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया मिले। ब्रिटेन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को भी अपना गुलाम बनाया था, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूपेण ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे,
डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। डोमिनियन का मतलब तुम केवल हमारे अंडर हो, बाकी शासन प्रशासन नियम कानून तुम अपने हिसाब से करोगे। भारत पूर्ण रूपेण गुलाम था ब्रिटेन का, कनाडा ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन वाले गुलाम थे। डोमिनियन माने केवल तुम मेरे डोमेन मेरे प्रभाव में रहोगे, लेकिन तुम अपना शासन नियम कानून तुम अपने हिसाब से करो, ठीक है। तो ऐसी ही व्यवस्था को हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, जिसमें इंटरनल मामलों में कोई देश पूर्ण रूपेण फ्री होता है, केवल एक्सटर्नल विदेश नीति इत्यादि मामलों में ही ब्रिटेन उस पर हस्तक्षेप करता था। तो भारत में हम भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी व्यवस्था चाहते थे। होम रूल लीग मूवमेंट का मतलब यह था, जिसमें जिसका मतलब यह था कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हम रहेंगे तुम्हारे ही गुलाम, लेकिन ऐसे गुलाम जिसको इंटरनल मामलों में कुछ करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। अंडर दी लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ये जो मूवमेंट चलाया गया था इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑल पोलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया टूगेदर, इनका होम रूल मूवमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी था कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल है और वो अलग अलग राग आलाप रही है, एकता नहीं है, और जब तक हम एक सुर में अंग्रेजों से कोई बात नहीं कहेंगे, अंग्रेजों को हमारी फूट का पता चलेगा और उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए होम रूल मूवमेंट का एक मतलब एक उद्देश्य यह भी था कि हम आपस में लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, लेकिन पहले हम एक हो जाएं और एक होकर के अंग्रेजों से होम रूल की बात करें। इसलिए जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो आप देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, और होम रूल लीग मूवमेंट के कारण ही गरम दल और नरम दल के नेताओं का मिलन हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं का मिलन हो गया, ठीक है। तो सारी पार्टियों को इकट्ठे ला करके और आंदोलन को चलाने का उद्देश्य था होम रूल लीग मूवमेंट का, ठीक है भाई। अब ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया, 1916 में ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इस आंदोलन को शुरू करने की बात हुई। पहला, फेलियर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ नेशनल लीडर्स। इसके पहले एक कानून आया था मौले मिंटो रिफॉर्म 1909, उसमें हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को जो आशा थी कि इस कानून से भारत के लिए कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है, वो सब नहीं मिला। इसलिए हमारे बहुत सारे जो नेता थे वो असंतुष्ट थे और कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जिसमें भारत की जरूरत थी अंग्रेजों को, और इन नेताओं का मानना था कि यही सही समय है जब हम अपनी मांग मजबूती के साथ अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। अंग्रेजों को भारत की जरूरत है, इसलिए उनसे पहले वो ले लो जो चाहते हो, और उसके बाद फिर अपना सहयोग भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का करना चाहिए। रिटर्न ऑफ तिलक फ्रॉम एक्साइल, हमें याद है, याद रखना चाहिए कि ये 1914 है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण गरम दल के नेता थे, उनको मंडली जेल भेज दिया गया था 6 साल की कैद के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जुलाई 1914 में तिलक को जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, और उनका निर्वासन भी खत्म कर दिया जाता है। तिलक लौट करके आ जाते हैं भारत, और जब तिलक भारत लौट के आ जाते हैं तो फिर से तिलक की इच्छा होती है कि मैं फिर से राजनीति में सक्रिय हूं, और वो पुनः भारत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और उनके लिए ये अवसर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आता है, और वो दो काम करते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि भारत के युवाओं से, भारत के लोगों से अंग्रेजों को मदद करने की बात करते हैं, पहला, और दूसरा साथ ही साथ वो इस मदद की कीमत भी तुरंत वसूल कर लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट जो है की शुरुआत अल्टीमेटली 1916 में किया, ठीक है। राइज ऑफ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी नामक एक संगठन चलाती थी, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि भारत में, क्योंकि वो आयरलैंड में देख चुकी कि आयरलैंड में किस प्रकार से शोषण हो रहा है, अंग्रेज ने आयरलैंड को गुलाम बना करके, और ये आयरलैंड की थी, ठीक है, तो आयरलैंड में जो कुछ भी घटना घटती थी वो उनसे ये परिचित हो जाती थी, और उसी प्रकार की घटना ये भारत में भी करके और भारत का भी भला करना चाहती थी। तो जब इनको खबर मिली कि आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो इनको भी लगा कि अब भारत में कुछ बड़ा राजनीतिक कार्य किया जाए, और धीरे धीरे एनी बेसेंट का जो प्रभाव है वो भारत में बढ़ने लगा, और अल्टीमेटली इनको भी लगा कि यही सही समय है कि जब हम होम रूल लीग मूवमेंट भारत में शुरू कर सकते हैं। पांचवी बात, सेपरेशन ऑफ गदर राइट्स, गदर राइट्स माने गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे उनका भारत और भारत के बाहर अंग्रेज लोग जहां कहीं भी बेचारे वो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे उनको
दबाया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था, यानी कुल मिलाकर के रेवोल्यूशनरी माध्यम से भारत को कुछ प्राप्त होने की आशा थी नहीं, ठीक है। इसलिए होम रूल मूवमेंट को जो है चलाना भारत में जरूरी हो गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 यह कानून आया जिससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने की कोशिश किया गया, ठीक है। डिससैटिस्फाइड मुस्लिम्स एंड रेवोल्यूशनरीज, अब भारत में कुछ मुसलमान और क्रांतिकारी ऐसे थे जो अंग्रेजों को मदद करना भी नहीं चाहते थे और करना भी चाहते थे, तो इल्यूजन में थे कि हम क्या करें क्या ना करें, असंतुष्ट थे अंग्रेजों की नीतियों से और भारत द्वारा अंग्रेजों को मदद दिए जाने से। अब उनके सामने दुविधा है कि वो क्या करें, अंग्रेजों का समर्थन करें कि ना करें, ठीक है। इसके पहले जब कभी भी उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उससे उनको कुछ मिला नहीं था, तो वो असंतुष्ट भी थे। होम रूल मूवमेंट ने उनको एक अवसर दिया, तो जो असंतुष्ट थे जिनके मन में दुविधा थी कि हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, उनमें से बहुत सारे लोगों का जो इल्यूजन था, भ्रम था, वो खत्म हुआ और जब होम रूल आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करने आए। टू लेट नो एवरीवन, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज गाइडेड बाय ब्रिटिश इंटरेस्ट, एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज एक्सप्लॉइटेड ऑफ ब्रिटिश, देयर इज नो एंड ऑफ इट अंटिल होम रूल लीग। कुल मिला के ये बताना भी होम रूल लीग मूवमेंट का एक उद्देश्य था कि भारत के हर वर्ग का शोषण अंग्रेजों ने सदैव किया है और अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने का एक ही उद्देश्य है और वो है ब्रिटिश इंटरेस्ट, अर्थात अपने हितों की पूर्ति। भारत के सभी वर्गों का शोषण अंग्रेजों द्वारा शुरू से लेकर आज तक किया जा रहा है और ये शोषण का दौर तभी खत्म होगा जब भारत में सेल्फ रूल, होम रूल, स्वशासन का अधिकार जब तक नहीं मिलता तब तक ये शोषण खत्म होने वाला नहीं है। ये पूरे भारत के सभी वर्ग के लोगों को बताना भी इस आंदोलन का एक उद्देश्य था, ठीक है। वॉर इज एन अपॉर्चुनिटी, वही अभी हमने देखा था कि इंग्लैंड नीड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है। तो बार जो युद्ध है वो एक ऐसा अवसर लेके आया जिसमें बिना भारत के ब्रिटेन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने महत्व को समझे और जो उसको चाहिए होम रूल लीग, उसको जो चाहिए वो अंग्रेजों से ले ले, उसके पास सहयोग करे, ठीक है। बेसेंट मैनेज टू कन्विंस कांग्रेस बट फेल, एनी बेसेंट 1915 से ही एक्टिव थी और वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इन जैसे नेताओं से मिलकर के ये बात कर रही थी कि हमें एकजुट होकर के और होम रूल की बात अंग्रेजों के साथ करनी चाहिए और फिर मदद करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को समझा पाने में एनी बेसेंट सक्सेसफुल नहीं रहती और अल्टीमेटली मॉडरेट्स ने कहा कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, कोई कंडीशन नहीं। एनी बेसेंट कहती थी सपोर्ट करो लेकिन कंडीशनल करो और कंडीशन रखो होम रूल लीग, ठीक है। तो कांग्रेस नहीं माने, अब जब नहीं माने तो एनी बेसेंट के पास एक ही रास्ता बचा कि वो अपने लेवल पे कुछ करें, तो उन्होंने अपना होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। नॉट लेट टू हैव अ पॉलिटिकल वैक्यूम, एनी बेसेंट और तिलक जैसे नेता ये भी चाहते थे कि युद्ध तो 1914 में शुरू हुआ है, कब खत्म होगा नहीं मालूम। मान लीजिए ये युद्ध 5 साल चलेगा और लगभग 4.5 चला भी, तो क्या 5 साल तक भारत में हम ठंडे रहेंगे? अंग्रेजों का जुल्म, अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाए गए टैक्स और अंग्रेजों से हम जो मांग चाहते हैं क्या वो नहीं करेंगे? क्या भारत में सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी? ये तो अंग्रेजों के लिए अवसर हो जाएगा कि वो 4-5 साल में हमें एकदम ठंडा कर देंगे और 5 साल में हम ये भी भूल जाएंगे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भी करना चाहिए या नहीं। तो एक निर्वात पैदा हो जाता प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से खत्म होने तक। इसलिए तिलक और बेसेंट जैसे लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध तो चल रहा है, यूरोप में लड़ाई हो रही है, लेकिन भारत में क्या हम अपने राष्ट्रीय मांगों को बंद कर देंगे? क्या राजनीतिक गतिविधियां बंद कर देंगे? उत्तर था नहीं, क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे। तो ये वैक्यूम, एक निर्वात, एक खाली स्थान ना बने, कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधियां भारत में होते रहना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था होम रूल लीग मूवमेंट का। तो ये 11 बड़े कारण थे जिसके कारण होम रूल लीग मूवमेंट लाया गया। फाउंडेशन, अब देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना कैसे होती है। तो देयर वर टू होम रूल लीग्स वर लॉन्च, वास्तव में लीग माने एक संस्था है। तो दो होम रूल लीग बनाए गए थे भारत में, पहला बनाया गया था जिसका नाम था इंडियन होम रूल लीग, इसको बनाने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने और ये बनाया गया था अप्रैल 1916 में एट
अहमद अब्दुल्ला द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया था, वर्क इन, और ये भारत में कहां कहां ये जो लीग है ये कहां कहां काम करती थी, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, बॉम्बे सिटी को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बेरार में, सेंट्रल प्रोविंस में, यहां यहां तिलक की जो लीग है वो काम करती थी। ओवरऑल उसके इन पूरे क्षेत्रों में 6 ब्रांचेस थी, इन्होंने 6 ब्रांचेस खोल रखे थे अपना कार्य क्षेत्र के लिए। मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव, और ये जो दूसरा वाला हम आगे पढ़ेंगे हम उल्ली, उससे ज्यादा एक्टिव थी और उससे ज्यादा प्रभावी भी थी। ठीक है, दूसरा है होम रूल लीग, दूसरे का नाम है, जिसको शुरू किया था एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, और इसकी शुरुआत जो है वो मद्रास में अडियार नामक एक जगह है वहां से शुरू हुई थी। अडियार इसका हेडक्वार्टर भी रखा गया, और जहां जहां तिलक की लीग काम करती थी उसके अलावा भारत में बाकी सारे क्षेत्रों में एनी बेसेंट की लीग ही काम करती थी। और एनी बेसेंट की लीग बाय नंबर, बाय एक्सपेंशन तिलक की लीग से बड़ी थी। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप की बात करें तो 14,000 मेंबर तिलक के उसमें थे और 21,000 के आसपास मेंबर एनी बेसेंट के उसमें थे। जो तिलक की ब्रांचेस है वो 6 है, इसकी लगभग पूरे भारत में 200 ब्रांचेस थी। तो इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार एनी बेसेंट के लीग का ज्यादा था।